हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पाइनस से रिलेटेड इसके क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, एनाटॉमी और एनाटॉमी में हम लोगों ने रूट, स्टेम के बारे में देखा और समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस पार्ट में हम पाइनस के नीडल के एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पाइनस नीडल का डायग्राम ड्रा करने के लिए आता है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पाइनस के नीडल के डायग्राम और उसके साथ साथ हर एक पार्ट को डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन ए ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ पाइनस रॉक्सबर्गी अपीयर ट्राइंगुलर शेप। तो यदि हम बात करें जनरा पाइनस रॉक्सबर्गी की, तो इसकी जो आउटलाइन स्ट्रक्चर होती है वो जनरली ट्रायंगुलर शेप की होती है। इसके अलावा पाइनस की और कुछ जातियाँ होती हैं, उनमें जो नीडिल का शेप होता है वो आपका सेमी सर्कुलर या फिर सर्कुलर होता है, बट पाइनस रॉक्सबर्गी के केस में इसका शेप ट्रायंगुलर होता है। और जनरली हम लोग जितने भी इमेज पाइनस नीडिल के देखते हैं वो आपको ट्रायंगुलर शेप ही दिखाई देते हैं। नीडिल शो जीरोफिटिक कैरेक्टर, इट हैज सिंगल लेयर थिक वॉल्ड एपिडर्मिस विच इज़ कवर्ड विथ ए थिक क्यूटिकल। यदि नीडिल के एनाटॉमी को देखें तो ये जनरली आपको जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जनरली इसकी सिंगल लेयर्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के चारों तरफ थिक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की, और क्यूटिकल लेयर जनरली आपको जीरोफिटिक कंडीशन को शो करता है, क्योंकि जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को घटा देती है, जिसके कारण जो पानी का लॉस होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ये जीरोफिटिक कंडीशन में जनरली क्यूटिकल पाई जाती है। और हमेशा आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्यूटिकल जिस भी रूट, स्टेम या लीफ में पाई जाती है जनरली वो जीरोफिटिक कंडीशन ही शो करते हैं। एपिडर्मिस एट प्लेस इज़ इंटरप्टेड बाय सनकेन स्टोमेटा थ्रू द सरफेस। यदि बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस कहीं कहीं इंटरप्टेड रहते हैं, टूटे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें सनकेन स्टोमेटा पाई जाती है। सनकेन स्टोमेटा उन्हें कहते हैं जो स्टोमेटा सरफेस के अंदर धंसे हुए होते हैं, और जो सनकेन स्टोमेटा होते हैं वो भी एक जीरोफिटिक कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, और जो एपिडर्मिस है बीच बीच में ब्रेक है, क्योंकि इनमें जो सनकेन स्टोमेटा पाई जा रही है। इच स्टोमेटा हैज़ टू गॉड सेल एंड टू सब्सिडरी सेल। तो प्रत्येक जो स्टोमेटा होते हैं उनमें दो गार्ड सेल होते हैं अर्थात रक्षक कोशिकाएं होती है, और दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो स्टोमेटा दो तरह के सेल से बनी होती है, गार्ड सेल से और सब्सिडरी सेल से। तो इनमें जो गार्ड सेल की संख्या होती है वो भी टू होती है, और जो सब्सिडरी सेल होते हैं वो भी टू होते हैं। इट ओपन्स आउटसाइड इन टू द कैविटी कॉल्ड वेस्टिबुल एंड इन साइड इन टू ए सब स्टोमेटल कैविटी। तो यदि बात करें जो स्टोमेटा होते हैं वो जनरली जिस कैविटी में खुलते हैं उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। बिलो द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ए फ्यू लेयर्ड थिक स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे की बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे स्केलेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हाइपोडर्मिस लेयर होती है, और ये जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है केवल कुछ ही कोशिकाओं की लेयर की बनी होती है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे जस्ट जो रीजन है वो है हाइपोडर्मिस, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है। हाइपोडर्मिस इज वेल डेवलप एट द रिजेस ORR एंगुलर पॉइंट ऑफ द नीडल। वही बात करें नीडल के जिस पोर्शन पर उभार होते हैं या फिर जो एंगुलर एरिया होता है, तो वहाँ पर हाइपोडर्मिस वेल डेवलप होता है, अर्थात इसकी जो लेयर होती है बहुत मोटी और लंबी होती है। कहने का मतलब है कि हाइपोडर्मिस वेल डेवलप होती हैं। मिजोफिल लाइज इन बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड इंडोडर्मिस। वहीं बात करें अगले लेयर की, अगला लेयर पाया जाता है मिजोफिल, जो कि हाइपोडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच में पाया जाता है। इट इज़ ए वेल डेवलप्ड टिश्यू। मिजोफिल सेल आर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस पॉलीगोनल एंड कम्पैक्टली अरेंज कंटेनिंग एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन। वही बात करें अगर हम मिजोफिल सेल की, ये वेल डेवलप होते हैं और इनके जो वाल होती है वो पतली होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के होते हैं, और इनकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं कई आकार की अर्थात पॉलीगोनल होती हैं, और जितनी भी कोशिकाएं होती हैं आपस में कम्पैक्टली मतलब पूरी तरह से जुड़ी हुई होती हैं, और मिजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट हमेशा याद रखिएगा
कि जितने भी मीजोफिल सेल होते हैं उनमें हमेशा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो लीफ होते हैं लीफ में हमेशा मीजोफिल सेल पाई जाती है और मीजोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मीजोफिल सेल में। इनर वॉल ऑफ दिस सेल आर नोन एज फ्लैजीन और फोल्ड्स, दीज फोल्डिंग इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एंड रिस्पायरेटरी एरिया ऑफ द सेल। वही बात करें जो मीजोफिल सेल होते हैं इसके जो अंदर की कोशिकाएँ होती हैं वो क्या होती हैं कि मुड़ी होती हैं, फोल्डेड होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मुड़े होने से अधिक एरिया सेल को मिलता है, जिसके कारण इनमें जो फोटोसिंथेटिक होता है और रिस्पायरेशन होता है वो अधिक हो पाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से मीजोफिल सेल को अधिक से अधिक एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण कि इनमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की जो रेट होती है वो अधिक हो पाती है। फ्यू रेजिन कैनाल आर आल्सो प्रेजेंट इन द मीजोफिल रीजन टूवर्ड द हाइपोडर्मिस, और कुछ जो रेजिन कैनाल है वो भी पाए जाते हैं। जनरली मीजोफिल में ऐसे प्लेस पे पाए जाएंगे जिधर की मीजोफिल सेल हाइपोडर्मिस से जुड़ता है। द वस्कुलर सिलेंडर इज सराउंडेड बाई ए सिंगल लेयर इंडोडर्मिस, सेल ऑफ इंडोडर्मिस आर बैरल शेप्ड विथ प्रोमिनेंट कैप्सपीरियन स्ट्रिप। वहीं बात करें जो वस्कुलर सिलेंडर होते हैं, अर्थात अगर जो वस्कुलर बंडल स्टार्ट होता है, एक तरह से इंडोडर्मिस रीजन पाए जाते हैं जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं, और इनका जो शेप होता है वो बैरल शेप्ड होता है, और इनमें बहुत अधिक मात्रा में कैस्पीरियन स्ट्रिप पाई जाती है। जस्ट बिलो द इंडोडर्मिस ए मल्टी लेयर पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकल आर फाउंड। तो जो इंडोडर्मिस होता है उसके जस्ट नीचे मल्टी लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना पेरिसाइकल पाया जाता है। वस्कुलर सिलेंडर आल्सो प्रोसेस ए टी शेप्ड गर्डिल ऑफ द स्केलेनकाइमेटस सेल विच सेपरेटेड द टू वस्कुलर बंडल। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें जो वस्कुलर सिलेंडर होते हैं वो जनरली टी शेप्ड होते हैं, मतलब गर्डिल में, मतलब गहराई में ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, और जनरली ये स्केलेनकाइमेटस टिशू से अलग होते हैं और ये वस्कुलर टिशू को एक दूसरे से अलग करते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिशू इज आल्सो फाउंड, ईच वस्कुलर बंडल इज कोलेट ओपन एंड इन डार्क, और इन वस्कुलर बंडल के बीच में ट्रांसफ्यूजन टिशू भी पाया जाता है। और यदि बात करें इनके वस्कुलर बंडल की तो ये कोलेट्रल ओपन और इन डार्क टाइप के होते हैं। तो पाइनस नीडल से रिलेटेड जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा मैं उसे फिर से समराइज कर दे रहा हूँ ताकि जितने भी पॉइंट हैं आपके दिमाग में ईजिली सेट हो जाए। तो जैसा कि आपके सामने पाइनस के नीडल का डिटेल डायग्राम दिया हुआ है, और हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि सबसे पहला जो लेयर होता है नीडल का वो होता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है जो कि जीरोफिटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इंडोडर्मिस लेयर होती है बीच बीच में इंटरप्टेड रहती है, अर्थात डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि इनके बीच में स्टोमेटा पाई जाती है और प्रत्येक स्टोमेटा सनकेन स्टोमेटा होती है, अर्थात अंदर की ओर धसी होती है। और ये जो स्टोमेटा होते हैं इनमें दो गार्ड सेल और दो सब्सिडरी सेल होते हैं। वहीं एपिडर्मिस के नीचे मल्टी लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस टिशू की बनी हुई हाइपोडर्मिस होती है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ भी रिजेस होती हैं, उभाड़ होते हैं, वहाँ पर हाइपोडर्मिस लेयर मोटी और मैच्योर होती है। जैसा कि आप किनारों पर देख रहे हैं कि हाइपोडर्मिस की लेयर मोटी है और मैच्योर है। वही बात करें हाइपोडर्मिस के नीचे पाया जाता है मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल जितनी भी होती हैं वो आपकी थिन वॉल्ड होती हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और इसके जो अंदर की वॉल होती है वो मुड़ी हुई होती है, इनफोल्डेड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो फोटोसिंथेसिस है या फिर रिस्पायरेशन है उसकी रेट बढ़ जाए, इस वजह से इनफोल्डेड होते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं। मीजोफिल के बाद पाया जाता है इंडोडर्मिस जो कि सिंगल लेयर होता है और बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अर्थात ढोल के आकार की कोशिकाएँ होती हैं। इंडोडर्मिस के बाद पाया जाता है पेरिसाइकल जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है और ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी वस्कुलर बंडल की तो वस्कुलर बंडल इनके कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन टाइप के होते हैं, और इनमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं जनरली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के थ्रू अलग होते हैं, और इनके बीच में ट्रैकेट सेल भी पाए जाते हैं। वही बात करें इनके जाइलम और फ्लोएम की तो इनमें जो जाइलम होते हैं जाइलम में वैसे सबसेंट होते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल अब्सेंट होते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें रेजिन कैनाल पाए जाते हैं और जनरली रेजिन कैनाल मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं और ऐसे प्लेस पे पाए जाते हैं जहाँ पर मीजोफिल सेल और हाइपोडर्मिस एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि रेजिन कैनाल आपको मीजोफिल सेल और हाइपोडर्मिस के बीच में दिखाई देगा। तो दोस्तों आइए मैं आप सभी को पाइनस के नीडल की अलग अलग साइड को दिखा देता हूँ। आप वीडियो में इनके अलग अलग स्लाइड देख सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।